ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अभी चैनल पे भाई आपका एक 2 आवर का लेक्चर अपलोड होगा जिसमें हम लोग एसी ट्रांजिएंट के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। और एसी ट्रांजिएंट को समझने के लिए भाई हम लोग को यहाँ पे 3 केस स्टडी करना पड़ता है। सबसे पहला केस है t=0, यानी इस इंस्टेंट पे भाई हम लोगों ने क्या किया हुआ है, स्विच को क्लोज किया हुआ है। तो भाई जो फर्स्ट केस है इसमें आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सीधे सीधे बता रहा भाई कि स्विच को क्लोज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। सेकंड केस हम लोग पढ़ते हैं भाई t=∞, तो इसका मतलब क्या है भाई कि स्विच को क्लोज के हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और हम लोगों को पता भाई स्विच काफ़ी लंबे टाइम से एक तरीके क्लोज, इसका मतलब क्या, ट्रांजिएंट पीरियड एक तरीके से खत्म हो गया होगा। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, स्टेडी स्टेट, यानी ये हम लोग का स्टेडी स्टेट वाला कंडीशन बताता भाई t=∞। तो सेकेंड केस भी आपको समझ में आ जाएगा या फिर कहीं आपको फील भी हो जाएगा भाई। अभी जो थर्ड केस है ना जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं भाई t=t0, तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ना इसका एक्चुअल मीनिंग ही नहीं समझ में आता भाई कि है क्या। तो t=t0 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भाई हम लोग को थोड़ा सा सिग्नल एंड सिस्टम में एक तरीके से आना पड़ेगा, और सिग्नल एंड सिस्टम भाई हम लोग को पढ़ना है टाइम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। एक बार आपने टाइम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको भाई ये भी समझ में आ जाएगा t=t0 क्या बोलना चाहता है या फिर ये टाइम का कौन सा इंस्टेंट है। ओके, तो भाई थर्ड केस यानी t=t0 इस कॉन्सेप्ट को भाई यानी टाइम शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने 2 आवर वाले लेक्चर में भी समझा रखा है, लेकिन हम लोगों ने उतना ही इन्फॉर्मेशन दिया भाई जितना एक तरीके से आपको ये एक तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन भाई कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी वीक होते हैं, जिन्होंने मान लेते कभी सिग्नल एंड सिस्टम नहीं पढ़ा है ना, तो उनके लिए एक तरीके से सेपरेट वीडियो बनाया जा रहा है ताकि भाई यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें, क्योंकि भाई इस लेक्चर के अंदर हम लोग का जो मेन फोकस था वो ट्रांजिएंट यानी एसी ट्रांजिएंट को कंप्लीट करवाना, ना कि टाइम शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को बताना। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने एग्जांपल समझा रखा है, उसको आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको आप पहले देखने के बाद ही एक तरीके से एसी ट्रांजिएंट को स्टार्ट कीजिएगा। तो अभी भाई हम लोग सबसे पहले सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। ये हम लोग का सिग्नल एंड सिस्टम का लेक्चर है भाई एक तरीके से, और सबसे पहले हम लोग को समझना है सिग्नल क्या होता है भाई, या फिर कहिए सिग्नल को ही हम लोग कभी कभी फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो सिग्नल कुछ नहीं भाई, सिग्नल का मतलब होता है कि भाई इसके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये अपने साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कहिए कुछ ना कुछ डेटा एक तरीके से ले करके चलता है या फिर कहिए कैरी करके चलता है। ओके, तो भाई किसी भी सिग्नल को अगर आपको दिखाना है तो सिग्नल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास भाई एक तरीके से साइन ओमेगा टी। ओके, तो इसको अगर मेरे को दिखाना होगा तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ये जो एक्स एक्सिस है हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा टाइम का एक्सिस है और ये मेरा एक तरीके से क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, जैसे मान लेते हैं मेरा एफ टी है, FT=sin ωt भाई, ठीक है, क्लियर हुआ। या फिर कहिए इसको सिग्नल बोलिए या फिर फंक्शन बोलिए। तो आप देख रहे हैं भाई किसी भी सिग्नल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो भाई ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सिग्नल का जो इन्फॉर्मेशन है भाई वो भी एक तरीके से चेंज होता रहा है। अब जरूर नहीं कि भाई सिग्नल मेरा इस तरीके का ही हो, इस तरीके का भी हो सकता है ना, क्लियर हो रहा है, या फिर कहिए इस तरीके का भी हो सकता है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे ये समझना है कि जो टाइम एक्सिस हम लोगों ने दिखाया हुआ है, तो ये टाइम एक्सिस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है क्या। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देके समझाऊँ भाई, जैसे मान लेते हैं ये एक लड़का है और इसको भाई मान लेते हैं इस डायरेक्शन में दौड़ना है, और क्योंकि भाई अगर ये दौड़े तो सीधी सी बात है जमीन के सतह पे एक तरीके से खड़ा होगा, है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें भाई, अगर मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ भाई, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक तरीके से चल, है ना, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो मैं इसको रियल लाइफ में देख सकता हूँ भाई, क्लियर हुआ। तो अगर मैं अपने मूवमेंट को जैसे मान लेते हैं मेरा पोजिशन ए था और ये मेरा पोजिशन बी है भाई, तो अगर अपने मूवमेंट को मुझे भाई ग्राफ में एक तरीके से दिखाना है तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये मेरा हॉरिजॉन्टल, या फिर कहीं इसको हम लोग सीधे सीधे सरफेस बोलते हैं भाई, ठीक है, सरफेस है मेरा, या फिर कहीं अगर आप ग्राउंड में एक तरीके से रनिंग कर रहे हैं तो ये मेरा ग्राउंड हो जाएगा भाई। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट कर रहा है और हम लोग इसको ग्राफ में भी दिखा रहे हैं, और ये मेरा एक तरीके से यानी ये मेरा पोजिशन है भाई, पोजिशन है,
भाई पहले यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि सरफेस को दिखा रहे थे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा यानी डिस्टेंस होगा, एक तरीके डिस्टेंस आपका कवर होते चला जा रहा है। ये मान लेते हैं मेरा ऑरिजिन है। ऑरिजिन का मतलब समझिए भाई, ऑरिजिन का मतलब होता है रेफरेंस लाइन, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो एक रेफरेंस लेना पड़ेगा आपको, क्लियर हुआ। तो ऑरिजिन कुछ नहीं, ये रेफरेंस होता है भाई, यानी इसी को हम लोग मान करके क्या कर रहे हैं आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्स एक्सिस मतलब मेरा ग्राउंड है, यानी इसको हम लोग डिस्टेंस दिखा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सिग्नल की बात करते हैं भाई, थोड़ा सा सिग्नल। तो किसी भी सिग्नल को अगर आप दिखाना चाहते हैं भाई, जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरीके का सिग्नल है, ओके रैंडम हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे आपने क्या किया हुआ, टाइम एक्सिस दिखा रहा है, यानी एक्स एक्सिस को आपने टाइम मान रखा है भाई, और ये मेरा वाई एक्सिस पे एक तरीके से सिग्नल को दिखा रखा है, यानी जो मेरा फंक्शन है भाई, फिर जो सिग्नल मेरा टाइम का एक तरीका है, टाइम के हिसाब से ये वेरी कर रहा है, फिर ये सब फंक्शन चेंज होता चला जा रहा है। तो भाई क्या रियल लाइफ में टाइम को आप देख सकते हैं क्या, सोचने वाली बात है भाई। जैसे अभी मान लेते हैं टाइम की बात करें भाई, अभी कितना टाइम हो गया, अभी टाइम हो रहा है 12:40, ठीक है। तो भाई 12:40 के बाद क्या होगा, 12:50 होगा, 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 3 बजेगा। तो भाई आप देख रहे हैं कि टाइम तो मेरे एक तरीके से आगे चल रहा है, लेकिन कहीं पे भी आपको दिख रहा है क्या कि भाई टाइम मेरा आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है टाइम है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। तो टाइम एक्सिस को यानी रियल लाइफ में आप टाइम को नहीं देख सकते भाई, लेकिन इतना आपके पास कॉमन सेंस है कि भाई टाइम एक तरीके से आगे चलते चला जा रहा है ना, समझ में आया। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अगर मैं ओरिजिन मान के चल रहा हूँ भाई, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरा रेफरेंस लाइन है t इक्वल टू जीरो, या फिर कहिए t इक्वल टू जीरो ना मान करके, क्योंकि भाई मैंने अभी 12:40 को, जब 20 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, 1 बज जाएगा, है ना। तो इसी को मैं क्या कर रहा हूँ भाई, रेफरेंस मान रहा हूँ। तो जो ओरिजिन होता है, जरूरी नहीं कि ओरिजिन पे हम लोग हमेशा क्या करें t इक्वल टू जीरो लिखे, भाई मेरे लिए t इक्वल टू जीरो का मतलब ही है कि भाई ये 1 बजे मैंने लिया हुआ है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लेते भाई मैं थोड़ा सा लेट से उठ रहा हूँ भाई, है ना, मान लेते हैं रात में लेट हो गया सोने में, तो सीधी सी बात है सुबह भी आप लेट से उठेंगे, तो भाई मान लेते हैं खाना पीना खाते होते 1 बज गया, अब आपका जो दिन स्टार्ट हो रहा है ना, यानी जो काम करने का जो दिन स्टार्ट हो रहा है वो 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लेते आपने 2 घंटा पढ़ाई किया, फिर 2 घंटा काम किया, फिर 2 घंटा रेस्ट कर लिया, है ना। तो यहां से यानी 1 बजे से भाई, 1 बजे जो है आपका क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा आज के लिए, क्योंकि भाई आज यहीं से आपने शुरुआत किया हुआ है, क्लियर हो गया। तो ओरिजिन का मतलब होता है रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन को भाई आप हमेशा जीरो से ना दिखा करके, जो भी आपने रेफरेंस लिया हुआ उससे हम लोग एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हुआ। तो अभी भाई अभी हम लोग यहाँ पे वापस से आते हैं भाई टाइम शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सिग्नल एंड सिस्टम में भाई, सिग्नल एंड सिस्टम में हम लोगों को तो सबसे पहले क्या पढ़ना है कि भाई सिग्नल क्या है, एफ के फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अभी जस्ट बताया भाई, सिग्नल एफ फंक्शन के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होता है भाई, ये टाइम के साथ क्या होता है, एक तरीके से वेरी करता है ना, एफ के हर एक इंस्टेंट पे भाई इसका जो वैल्यू होता है, एफ के इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होते रहता है। अब हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशंस पढ़ते हैं भाई। ऑपरेशंस कहने का मतलब क्या कि भाई जैसे मान लेते हैं मेरे पास 2 सिग्नल है, एक मान लेते हैं इस तरीके का साइनोसोडियल सिग्नल है, और एक मान लेते हैं भाई मेरे पास इस तरीके का स्क्वायर वेव है। तो भाई ये मेरे पास 2 सिग्नल है, तो इस पे हम लोग किस तरीके का ऑपरेशन कर सकते हैं, आपसे बोला जा सकता है भाई दोनों सिग्नल को ऐड कीजिए, ठीक है। तो दोनों सिग्नल को अगर आप ऐड करें, इसका मतलब क्या, ये एडिशन ऑपरेशन हो गया, ठीक है। सिग्नल के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं भाई, या फिर कहिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर कहिए डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर कहिए भाई इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला जा सकता है, ओके इंटीग्रेट मतलब एरिया निकालना भाई, या फिर कहिए इसी में भाई टाइम शिफ्टिंग करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर कहिए इसी में टाइम स्केलिंग करने के लिए बोला जा सकता है आपको। तो ये सब क्या है, ये सब मेरा ऑपरेशन है भाई, समझ में आया, जो कि हम लोग सिग्नल के ऊपर एक तरीके से करते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे टाइटल डाला है टाइम शिफ्टिंग का, तो टाइम शिफ्टिंग किसके अंदर आ रहा है, सिग्नल के ऑपरेशंस के अंदर आ रहा है। तो भाई एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब हम लोग सिग्नल सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, टाइम शिफ्टिंग के ऊपर फोकस करना भाई। और टाइम शिफ्टिंग को समझने के लिए सबसे पहले भाई यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जाम्पल से आप समझेंगे भाई, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है, तो ये आपके दिमाग में घुस जाए कि भाई टाइम शिफ्टिंग एक्चुअली है क्या, या फिर होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे यूट्यूब का एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, यूट्यूब का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जैसे भाई मान लेते हैं
मान लेते हैं कल की बात करते हैं भाई, ठीक है, यस्टरडे की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई 2 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ, कल रात में मैंने बना रखा है भाई ये, ठीक है। तो कल जो है भाई मान लेते हैं, अभी मेरे को एक्यूरेट टाइम नहीं पता भाई कितने बजे मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, मान लेते हैं कि भाई मैंने इसको स्टार्ट किया, मान लेते हैं 9 बजे से स्टार्ट किया है ना, डिनर करके रात के 9 बजे से मैंने लेक्चर बनाना स्टार्ट किया भाई। अब क्योंकि भाई 2 घंटा है ना, 2 घंटे का ड्यूरेशन है लेक्चर का, इसका मतलब क्या हुआ, कितना बज गया भाई, 11 बज गया, सही बात है। और ये किस डेट की बात हो रही है, यस्टरडे यानी 14 के लिए भाई, ठीक है, 14/12/2023, ठीक है, 11 बज गया। अब जैसे क्या होता है भाई, मेरे को यहाँ पे एडिटिंग करना पड़ेगा, एडिटिंग कहना मतलब क्या, जैसे जो भी कैमरा होता है ना, तो कैमरे में क्या होता है भाई, मैक्सिमम आप 30 मिनट का या फिर 1 आवर का ड्यूरेशन कहीं लेक्चर कंटिन्यू बना सकते हो, उसका क्या होता है वीडियो अपने आप स्प्लिट हो जाता है। तो एडिटिंग में मेरे को क्या क्या करना भाई, सबसे पहले ज्वाइन करना होगा, क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर तो सीधी सी बात 3 से 4 पार्ट बना होगा है ना, तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा पहले। अब जैसे मान लेते भाई ज्वाइन करने के बाद मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई टोटल ये 20 GB का फाइल बन रहा है, फिर 15 GB का फाइल बन रहा है, तो इतना हैवी फाइल को तो मैं अपलोड करूँगा नहीं, तो मैं क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, ओके। और कंप्रेस करने के बाद, कंप्रेस करते करते यानी पूरा एडिटिंग में मान लेते भाई मेरा 2 घंटे का टाइम चला गया, तो 2 घंटा चला गया, समझते क्या, 11 बजे मैंने लेक्चर कंप्लीट किया था भाई, अब बज गया कितना, 12:01, ठीक है, और 1 बज गया, ऐसा मतलब क्या AM हो जाएगा, क्योंकि डेट चेंज हो जाएगा भाई, डेट चेंज हो जाएगा 15/12/2023। अब समझिए भाई, क्योंकि अब 1 बज चुका है भाई, तो इसको मेरे को अपलोड करना है, मान लेते हैं मैं इसको YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ, और मान लेते हैं एडिटिंग करने और फाइल का जो साइज़ बना, मान लेते हैं 5 GB बना भाई, तो 5 GB को भी अपलोड करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना, तो अपलोड करने भाई मान लेते हैं ये लग गया 40 मिनट, ओके। तो भाई अब कितना बज गया, 1 बजे तक तो हम लोग एडिटिंग कंप्लीट हुआ था, 40 मिनट लग गया अपलोड करने में, यानी 1:40 पे भाई मेरा क्या हुआ, एक तरीके से लेक्चर बन के तैयार हो गया, सही बात है, यानी YouTube पे एक तरीके से आ चुका है। लेकिन भाई इस समय कोई भी स्टूडेंट जागा हुआ नहीं रहेगा, बहुत ही रेयर एक तरीके से स्टूडेंट जागे हुए रहते हैं ना, तो अब मुझे क्या लग रहा है भाई कि इस समय अपलोड करना सही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा भाई एक YouTube का एक फंक्शन यूज़ करूँगा भाई, ठीक है, यानी एक समझिए एक तरीके का ये फैसिलिटी है ना, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पॉज होता है, यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ मैं, अब थोड़ा सा वापस से आ रहे कब, 14 तारीख को, जैसे मान लेते भाई ये जो मैंने AC ट्रांजिएंट है ना, इस लेक्चर के लिए ग्रुप में मैसेज डाल दिया भाई सुबह में, मान लेते मैंने बोल दिया भाई ग्रुप में, यानी जो हम लोग का पेड मेंबर का ग्रुप है उसमें बोल दिया भाई कि मान लेते हैं आपको मैं लेक्चर जो है 6 बजे एक तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा, यानी शाम के 6 बजे, ठीक है, किस डेट में, 14/12/2023 के लिए, ठीक है। लेकिन भाई आप देख रहे हैं कि भाई कुछ कारण से मैं लेक्चर बना ही रहा हूँ एक तरीके से 9 बजे से है ना, और यहाँ पे आप देख रहे भाई ये लेक्चर एक तरीके से 1:40 AM में एक तरीके से तैयार हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को भाई लेक्चर एक तरीके से प्रोवाइड करना था 6 बजे, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेस के ऊपर आते हैं, हम लोग को प्रोवाइड करना था भाई कितने बजे, 6 बजे, शाम के 6 बजे, सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बोला भाई कि किसी यहाँ पे T=0 नहीं दिखा सकते, जिसको हम लोग यहाँ पे रेफरेंस मान के चल रहे हैं उसी को, तो भाई मेरे को अपलोड करना था इस इंस्टेंट पे, यानी इस टाइम में 6 बजे। लेकिन भाई हम लोग का लेक्चर कब अपलोड हुआ यूट्यूब पे, ये हुआ एक तरीके से, ये 6 बज रहा ना, तो यहाँ पे दिखा देते भाई, क्योंकि जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर डेट भी चेंज हो जाएगा, ये मान लेते भाई आपका 1:40 PM है, ठीक है, ये जो डेट था ये 14 तारीख का था, और ये आ गया भाई आपका 15/12/2023, क्लियर हुआ। तो भाई यहां पे मेरे को अपलोड करना था, लेकिन भाई अपलोड कहां हुआ है, 1:40 पे, यहां पे AM कीजिए, और अभी भी भाई मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स सो गए होंगे, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई लेक्चर ऑलरेडी YouTube पे अपलोड हो चुका है भाई, लेकिन मान लेते हैं इसको मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, इसको मैंने क्या किया हुआ है, लेक्चर को प्राइवेट किया हुआ है, और हम लोग क्या कर रहे हैं भाई इस लेक्चर को भाई मान लेते हैं सुबह के मैं 10 बजे अपलोड करना चाहता हूँ, सुबह के 10 बजे अपलोड तो हो चुका है भाई, इसको पब्लिक करना चाहता हूँ। अब क्योंकि भाई
मेरा काम ही खत्म हुआ 1:40 में, मान लेते हैं सोते सोते 2 बज गया फिर 2:30 बज गया, तो सीधी सी बात है भाई लेट से अगर आप सो रहे तो सीधी सी बात है आँख भी आपका लेट से ही खुलेगा। मान लेते भाई मैं उठाऊँ सुबह में 11 बजे, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे करना था 10 बजे लेक्चर अपलोड, लेकिन भाई मैं सो के उठा एक तरीके से 11 बजे। तो ऐसा सिचुएशन ना आए, इसमें क्या होता है कि यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यूट्यूब में क्या होता है बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप लेक्चर को प्राइवेट कर सकते हैं, है ना, पहला हो गया प्राइवेट रखना, दूसरा हो गया भाई पब्लिक कर देना, पब्लिक मतलब सारे लोग देख सकते हैं, तीसरा हो गया भाई आपका, अब सारे पे बात नहीं करेंगे हम लोग, प्रीमियर पे बात करते हैं भाई। प्रीमियर एक फंक्शन होता है भाई, यानी एक स्पेशल फीचर है। इसमें क्या होता है कि भाई 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, जैसे आपने लेक्चर को अपलोड किया इतने बजे, लेकिन भाई यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन देता है कि भाई इस लेक्चर को आप कब एक तरीके से पब्लिक करना चाहते हैं, है ना, तो इसमें आपको भाई डेट का ऑप्शन दिया रहेगा, साथ ही साथ इसमें भाई आपका टाइम का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते मैंने डेट सेलेक्ट किया 15/12/2023 और यहाँ पे टाइम मैंने सेलेक्ट कर लिया भाई सुबह के 10 बजे, ठीक है, इसका मतलब क्या, और ये हम लोग सेटिंग ये सब सारा का सारा सेट करके इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके कर दे रहा है। तो जैसे ही 15 तारीख का भाई 10 बजेगा सुबह का, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वीडियो आपका प्ले हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, अपने आप एक तरीके से क्या हो जाएगा, प्रीमियर हो जाएगा, है ना। और आप देखिएगा भाई जब भी वीडियो प्ले होता है ना, तो यहाँ पे आप साइड में देखिएगा, जैसे अगर लाइव होगा तो लाइव लिखा रहेगा रेड कलर का, लेकिन अगर प्रीमियर चल रहा होगा तो यहाँ पे आपका प्रीमियर लिखेगा। प्रीमियर का मतलब क्या होता है भाई कि ये लाइव नहीं है, ये वीडियो पहले से एक तरीके से रिकॉर्डेड था और इसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इस फंक्शन को यूज करके एक पर्टिकुलर डेट और एक पर्टिकुलर टाइम सेट करके एक तरीके से उसको प्रीमियर किया हुआ है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये तो हो गया भाई, अभी हम लोग ये सब देखेंगे भाई रियल लाइफ में कैसे एक तरीके से होता है। अब हम लोग वापस से आते हैं भाई, अब जैसे सेकंड केस लेते हैं, ये तो सेकंड केस हो गया भाई, सॉरी फर्स्ट केस हो गया, केस वन। ये कौन सा केस है? डिले का भाई, क्योंकि लेक्चर मेरे को 6 बजे अपलोड करना था, लेकिन भाई मैं अपलोड कितने बजे कर रहा हूँ, अगले दिन 10 बजे, यानी इधर जो है हमारा डिले हो चुका है, ये डिले का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब जैसे भाई मान लेते हैं, क्योंकि भाई 14 तारीख को मैंने लेक्चर बनाना स्टार्ट किया था 9 बजे, लेकिन भाई आप समझिए रात के 9 बजे। अब जैसे मान लेते हैं इसी को हम लोग दूसरे केस में देखते हैं, सेकंड केस हम लोग का केस टू, इसको हम लोग लीडिंग बोलते हैं भाई, ठीक है, इसको लैगिंग बोल देते हैं, लैगिंग या फिर डिले जो भी बोलिए लीडिंग। तो इसमें क्या है भाई कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने लेक्चर बनाना ही स्टार्ट किया सुबह के 10 बजे भाई, और मान लेते हैं लेक्चर बनाते बनाते ये बज गया 2, ठीक है, और एडिटिंग करते करते भाई मान लेते हैं ये हो गया आपका 4, और अपलोड करते करते ये मान लेते भाई हो गया आपका 5 बजे। यानी 5 बजे ही क्या कर दिया मैंने, लेक्चर को एक तरीके से अपलोड कर दिया और वो एक तरीके से पब्लिक भी कर दिया भाई, यानी यूट्यूब एक तरीके से सीधे सीधे चला गया है। तो आप देख रहे हैं भाई, अगर मैं रेफरेंस लाइन से देखूं, मेरे को अपलोड करना था 6 बजे, लेकिन भाई मैंने अपलोड किया कितने बजे, 5 बजे ही अपलोड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 बजे का मतलब क्या, हम लोग इधर आना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसको हम लोगों ने रेफरेंस मान रखा है 6, इसका मतलब क्या इधर मेरा कहीं है ना, इधर कहीं पे 5 होगा ना भाई, सुन मैं, तो 5 PM में ही क्या कर दिया हम लोगों ने, लेक्चर को अपलोड कर दिया। तो जो एक्चुअल डेट था भाई उससे हम लोग काफ़ी 1 घंटा पहले एक तरह अपलोड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे अब मेरा क्या हो चुका है, हम लोग लीड कर चुके हैं, यानी 1 घंटा हम लोग आगे चल रहे हैं भाई, 1 घंटा पहले ही एक तरीके से आपको क्या हो चुका है, लेक्चर मिल चुका है। तो आप देख रहे हैं भाई कि अगर रेफरेंस लाइन से अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो भाई हम लोग का इधर क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, यानी सिग्नल जो है भाई लेट से आपको मिलेगा, लेट से आपको देखने को मिलेगा। और वही अगर हम लोग इस रेफरेंस लाइन से इधर आ रहे हैं तो भाई इसका मतलब क्या हो रहा है भाई कि सिग्नल एक तरीके से आपको जो एक्चुअल टाइम है उससे पहले ही आपको मिल जाएगा भाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से टाइम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई हम लोगों ने टाइम को शिफ्ट कर दिया ना, 6 बजे अपलोड करना था लेकिन अपलोड हो रहा है भाई अगले दिन 10 बजे, समझ में आ रहा है। तो इतना कितना टाइम शिफ्ट कर दिया आपने, 6 बजे से लेकर के अगले 6 बजे शाम तक, या फिर ऐसा समझिए इस 6 बजे से लेकर के, क्योंकि रात है तो सुबह का 6 यानी 12 घंटा हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 12, 4, 16 यानी 16 घंटा का डिले हो चुका है भाई इधर। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 16 घंटे का डिले हो चुका है। और वही अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो चुका है, 1 आवर का एक तरीके से हम लोग लीड कर चुके हैं, 1 आवर का लीडिंग हो चुका है भाई। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं भाई टाइम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग भाई अपने सिग्नल पे एक तरीके से अप्लाई करते हैं। तो सिग्नल पे जाने से पहले भाई हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखा दे रहा हूँ, जैसे क्या होता है ना, आप चैनल पे जाइए भाई, किसी भी चैनल पे जाइएगा, कभी कभी आप देखिएगा कि भाई आपका जो है ना
थंबनेल भी दिखाएगा, थंबनेल के नीचे में यानी थंबनेल के साथ साथ आपको यहाँ पे पूरा टाइटल भी दिखाएगा भाई ये लेक्चर के अंदर क्या होने वाला है, और साथ ही साथ नीचे में एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ रहेगा भाई। जैसे इस वीडियो को मैंने क्या किया, रात बजे रात के 1:40 AM में क्या कर रहा है, प्रीमियर कर रहा है, यानी ये सारा का सारा डेट और टाइम फिक्स किया भाई। तो जब आप चैनल पे जाके देखेंगे ना, जैसे मान लेते आप चैनल पे गए भाई 9 बजे एक बार चैनल पे गए देखने के लिए भाई लेक्चर बना है नहीं बना है ना, लेक्चर आया नहीं है, ठीक है, तो 9 बजे आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई एसी ट्रांजिएंट मान लेते थंबनेल का टाइटल है, ओके, और यहाँ पे टाइटल भी आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डेट दिखाएगा भाई 15/12/2023, और इसका यहाँ पे टाइमिंग बताएगा कि भाई ये आपको 10 बजे एक तरीके से देखने को मिलेगा, समझ में, यानी 9 बजे प्ले नहीं होगा, 10 बजे ही आपका ये प्ले होगा, क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई एक तरीके से प्रीमियर, ओके, और ये एक तरीके से क्या हो गया 16 घंटे का टाइम शिफ्ट हो गया। अब यही सेम चीज़ भाई थोड़ा सा हम लोग आते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ओके ना, रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखिए ये आपका YouTube खुला हुआ है और सबसे ऊपर वाला लेक्चर देखिए भाई AC ट्रांजिएंट का, है ना, मे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भाई 15/12/2023, सही बात है, और यहाँ पे भाई आपका 8 बजे दिया हुआ, 20 लिखा मतलब क्या, रात के 8 बजे एक तरीके से प्ले होगा भाई लेक्चर, समझ में आया। तो अभी आप जाके देखेंगे तो ये थंबनेल दिखेगा, टाइटल दिखेगा, साथ ही साथ आपका यहाँ पे भाई ये डेट दिखेगा, साथ ही साथ आपका टाइम दिखेगा, इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे लिखा हो ना प्रीमियर, देख यहाँ पे प्रीमियर लिखा हो भाई, ये प्ले नहीं होगा, समझे, एक मिनट, क्लियर हुआ। तो आप सोचिए भाई, सोचिए ये जो हम लोगों का सिग्नल है ये एक रिकॉर्डेड सिग्नल है, थोड़ा सा हम लोग वापस आते हैं बोर्ड पे भाई, वापस आते हैं फिर उसको ऐसे रहने देते हैं। ये जो सिग्नल है ना भाई ये हम लोग का क्या है, रिकॉर्डेड, क्योंकि भाई वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया ना कल ही, समझ गए, तो ये जो मेरे पास सिग्नल है, एक मिनट भाई, ओके आते वापस से, ये जो भाई मेरे पास सिग्नल है ना, ये रिकॉर्डेड, क्लियर हुआ, यानी टाइम शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है भाई वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड सिग्नल पे लगाया जा सकता है, ठीक है ना। रिकॉर्डेड पे ही क्यों लगाएंगे भाई, क्योंकि जैसे देखिए क्या होता है ना, जैसे मान लेते भाई कहीं पे भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है, ओके, जैसे आप लाइव न्यूज़ देख रहे हैं या फिर कहीं कोई लाइव टीचर जो है लेक्चर आपको पढ़ा रहा है भाई, है ना, तो या फिर कहिए जैसे मान लेते भाई मेरे सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है ना और लाइव एक तरीके से देख रहा है, तो अभी जो भी मैं लिख रहा हूँ भाई, तो जो भी लिख रहा हूँ तो इसके हिसाब से कुछ ना कुछ टाइम चल रहा होगा ना। जैसे अभी टाइम की बात करें, कितना टाइम हो गया भाई, अभी टाइम कितना हुआ, 12:57 हो गया, सही बात है, वापस आते हैं नोट पे, ठीक है, अभी 12:57 पे भाई मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मान लेते मैंने लिखा सिग्नल, तो आप सोचिए कि आगे आने वाला जो इंस्टेंट है भाई, जैसे मान लेते हैं 3 मिनट के बाद 1 बज जाएगा, है ना, 1 बज जाएगा, फिर 1:05 होगा, सही बात है। तो भाई सोचिए ना कि आगे जो आने वाला है, यानी फ्यूचर में क्या मैं एक तरीके से आपको बताने वाला हूं, क्या वो आप आगे जा करके देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते भाई, समझ में आ रहा बात को मैं क्या बोल रहा हूं सो। और वही अगर हम लोग रिकॉर्डेड सिग्नल की बात करें, रिकॉर्डेड सिग्नल की अगर बात करें, तो भाई सोचिए कि भाई मेरे पास ये ड्यूरेशन था 2 घंटे का, ये मान लेते हैं 0 आवर्स और ये मेरा 2 आवर्स भाई, तो इसमें क्या है कि भाई जैसे मान लेते हैं लेक्चर को आपने स्टार्ट किया कितने बजे, मान लेते आपने 12:57 में आपने लेक्चर स्टार्ट किया वॉच करना, तो भाई इसमें क्या है कि भाई आप जो है आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 1 घंटा स्किप करके, 1 घंटे के लेक्चर को स्किप करके आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, आगे वाले हिस्सों को भी आप देख सकते हैं भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, बस ऑप्शन दिया हुआ आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, आप क्या कर सकते हैं एक तरीके से आगे चले जा सकते हैं, यानी 1 घंटा आप तुरंत एक तरीके आगे जा करके आगे का जो बताएगा वो चीज़ देख सकते हैं भाई। लेकिन जो आदमी लाइव है भाई, तो लाइव में आप थोड़े ना एक तरीके से उसको आप
फ्यूचर में जाके देख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। या फिर कहिए भाई अभी फिर से लाइव चल रहा है सेशन, तो भाई मुझे बताइए। और मान लेते हम लोग भाई अभी 2012-2013 की बात कर रहे हैं भाई, ठीक ना, तो उसमें हम लोग का ऑनलाइन कोचिंग ये सब नहीं था, लाइव ऐसे कुछ नहीं रहता था, हम लोग को ऑफलाइन जाके पढ़ना पड़ता भाई। तो सीधी सी बात है, अगर आप जैसे मान लेते आपका क्लास जो है भाई सुबह के 8 बजे स्टार्ट हुआ है और आप मान लेते 10 मिनट लेट हो चुके हैं, है ना, तो भाई जो 10 मिनट का जो आपका कंटेंट या फिर जो टीचर ने पढ़ा दिया भाई 10 मिनट के अंदर, तो क्या आप पास्ट में जा करके आप जो 10 मिनट छोड़ चुके हैं भाई उस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं क्या? नहीं सीख सकते हैं भाई। तो वही है कि जो चीज़ लाइव होता है ना भाई, इस लाइव सिग्नल में आप कभी भी एक तरीके से ना ही टाइम को फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर टाइम को बैकवर्ड, कभी ये मतलब आगे पीछे होगा ही नहीं। ये जब भी होता है भाई ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड सिग्नल के लिए होता है। आई होप कि इतना एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी होगा, क्लियर हो गया। अब हम लोग वापस से आ रहे हैं भाई मोबाइल के स्क्रीन पे। एक मिनट, तो यहां पे देखिए भाई अगर मैं इसको प्ले करने की कोशिश करूंगा ना, ये यूट्यूब खुल जाएगा, लेकिन यहां पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, टाइम बता रहा ना प्रीमियर इन 6 आवर, यानी अभी कितने बज गया है, 1 बज गया भाई, तो 1 से 6 घंटा जोड़ लीजिए, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, सीधी सी बात है भाई। अभी देखिए ना 1 बज गया है, पूरा का पूरा एक्यूरेट 1 बज गया है। फिर से आ रहे हम लोग, फिर से हम लोग आ रहे भाई स्क्रीन शेयर पे। वेट, तो यहाँ पे देखिए भाई ये दिखा रहा है ना 1 से 6 घंटा आप जोड़िए, सीधे सीधे 8 बजे आपका टाइम आ जाएगा, यानी 6 घंटे के बाद एक तरीके से लेक्चर प्ले होगा। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं भाई कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसको टाइम शिफ्ट कर रखा है भाई। ये लेक्चर बहुत पहले ही बन चुका है, लेकिन इसको हम लोगों ने क्या कर रखा, फ्यूचर में एक तरीके से टाइम और डेट फिक्स करके। अब जैसे भाई यहाँ पे जरूर नहीं 15 दिसंबर फिक्स कीजिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको जैसे मान लेते हैं 2024 में मान लेते भाई मार्च में एक तरीके से पब्लिक करना है ना, या फिर कहिए जनवरी या फिर फरवरी में किसी एक पर्टिकुलर डेट में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे करना, तो वो भी एक तरीके सेट करके ये अपने आप एक तरीके से हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट भाई आपको दिमाग में रखना है टाइम शिफ्टिंग का। अब हम लोग सिग्नल पे आते हैं भाई, सिग्नल पे आते हैं। अब इसको मैं बंद करता हूँ, ये वाला भाई एग्जांपल हम लोग कर ही लेते हैं। जैसे यही सेम लेक्चर को भाई मैं यहाँ पे एडिट करके ना, जैसे इसको मैं एडिट करके यहाँ पे आप देखेंगे मैं टाइम चेंज कर सकता हूँ भाई। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखिए कितने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं अवेलेबल, थोड़ा और जूम करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे लिखा ना प्राइवेट टू पब्लिक करना है, उसको आप देखिए 21 ऑप्शन को हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है प्राइवेट टू पब्लिक, और यहाँ पे लिखा हुआ ना सेट प्रीमियर, ओके ना, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ, जैसे यहाँ पे 15 का टाइमिंग दिया हो भाई, थोड़ा सा मोबाइल स्क्रीन दिखा देता हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ से पूरा का पूरा चेंजिंग कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आगे भी कर सकता हूँ भाई, 2000 जैसे हम लोगों ने चेंज कर लिया ना जनवरी 2024, तो भाई अगर मैं मान लेते हैं 2 जनवरी को या फिर 3 जनवरी को करना चाहता हूँ भाई, ओहो यहाँ से होगा ना मोबाइल से होगा भाई, ओके ये हो गया 3 जनवरी, ओके कर दिया। अब 3 जनवरी को यहाँ पे टाइम दिखा रहा है भाई कि कितने बजे आप करना चाहते हैं, मान लेते मेरे को रात के 8 बजे नहीं, मेरे को सुबह के 8 बजे करना है, है ना, तो सुबह के 8 बजे और 8 बज के हम लोग मान लेते हैं इसको 10 मिनट पे करना चाहते हैं, ठीक है, डेट फिक्स हो गया। अब मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ, ओके हो जाएगा। अब मैं इसको भाई सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। अब अगर हम लोग चैनल पे जा करके देखेंगे ना, सेम चीज़ भाई अगर मैं चैनल पे जाके देखता हूँ, यानी या फिर कहीं इसको मैं प्ले करना चाहता हूँ भाई, तो ये आ गया हम लोग यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे देखिए, अब जो है एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है ना ये
पूरा का पूरा डेट और टाइम चेंज हो जाएगा। देखिए ये पूरा पूरा टाइम चेंज हो गया ना भाई, ये अपडेट नहीं ले रहा यार, अपडेट लेने में टाइम लेगा, कुछ ना कुछ टाइम लेगा ये, ओके। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो इसका एक्चुअल में जो स्टूडियो है ना, इसमें आपको ऑलरेडी दिखा रहा है यहाँ पे 3 जनवरी 2024, और यहाँ पे जो भी आपने 8:10 पे किया वो एक तरीके से क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं फ्यूचर में, एक तरीके से इसको टाइम शिफ्टिंग कर दे रहे भाई, ओके। यानी क्या हो रखा है, ये डिले हो रखा है भाई, ये पूरा का पूरा डिले हो रखा है। कितना घंटा डिले हो रखा है, जैसे अभी इसको फिर से हम लोग कर दे रहे हैं क्योंकि आज ही हम लोग को चाहिए ना ये लेक्चर। तो वापस से आते हैं, ठीक है, तो हो गया भाई, इतना काफी है, बेस्ट एग्जांपल था। अब हम लोग सिग्नल पे आते हैं भाई, सिग्नल पे आते हैं अपने, यही सेम कॉन्सेप्ट सिग्नल के लिए अगर देखें तो भाई यहाँ पे आ जाइए, ये हम लोग का भाई एक सिग्नल है, जैसे मान लेते हैं FT है, या फिर कहिए इसको हम लोग वोल्टेज बोल सकते हैं या फिर करंट बोल सकते हैं, जो भी लिखना है, FT लिखना है, GT लिखना है, IT लिखना है, VT लिखना है, कुछ भी, ठीक है। तो मेरा साइन ओमेगा टी एक फंक्शन था भाई, इस तरीके से मैंने दिखाया। और ये मान लेते भाई अभी हम लोग का 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से लेके यानी पूरा पूरा 90 डिग्री यानी पाई हो जाएगा, फिर एक और 90 डिग्री यानी 180 यानी 2π हो गया, ठीक है, इस तरीके से हम लोग दिखाया। अब भाई मान लेते हैं भाई इस सिग्नल को मैं 0 से नहीं स्टार्ट करना चाहता क्योंकि ये मेरा क्या है रेफरेंस लाइन है, तो 0 से स्टार्ट ना करके मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे यानी मान लेते हैं पाई से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट लाना चाहता हूँ, फिर कहीं पाई रेडियन का शिफ्ट लाना चाहता हूँ भाई, है ना। मैं चाहता हूँ भाई कि ये सिग्नल मेरा यहाँ से स्टार्ट हो इस बार, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को उठा करके आगे यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा एक तरीके से पाई, क्लियर हुआ। तो अभी क्योंकि ऑलरेडी इसका एक डायग्राम बना रखा भाई हम लोगों ने बगल में, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ये हम लोग का ओरिजिनल फंक्शन था और इसमें हम लोगों ने टाइम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट करके फिर हम इसको क्या कर रहे हैं पाई से एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो भाई ये क्या था, क्योंकि भाई ओरिजिन से स्टार्ट था तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा भाई। लेकिन इसमें हम लोगों ने टाइम शिफ्ट कर दिया भाई, तो इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, हम लोगों का जो फंक्शन था ये था साइन ओमेगा टी, और क्योंकि भाई डिले हो रखा है तो डिले को दिखाने के लिए, डिले मतलब क्या भाई, पहले 0 से स्टार्ट था, अब क्या पाई के बाद स्टार्ट, यानी लैग कर गया ना, तो लैग को हम लोग हमेशा माइनस से दिखाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जब भी डिले को दिखाना होता है भाई, ठीक है, तो डिले के लिए हम हमेशा माइनस दिखाएंगे। और वही मान लेते हैं भाई मेरे को इसको फॉरवर्ड करना होता है, फॉरवर्ड मतलब मान लेते हैं भाई 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन मान लेते हैं इसको मैं 0 से स्टार्ट ना करके भाई इसको मान लेते हैं मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये मेरा 0 हो गया, फिर 180 बना नहीं माइनस पाई हो गया, तो माइनस पाई से स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या, ये फॉरवर्ड हो चुका है भाई। तो इसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा साइन ओमेगा टी, और क्योंकि भाई इसमें लीड कर रहा है, क्योंकि आपका एक्चुअल सिग्नल जो था यहाँ से स्टार्ट होना था, लेकिन इसको स्टार्ट कर दिया यानी 180 पहले ही, इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे प्लस करेंगे पाई, यानी लीड कर गया भाई मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सिग्नल का टाइम शिफ्ट कर दिया भाई, और ये साइन ओमेगा टी क्या है, मेरा एक रिकॉर्डेड सिग्नल होना चाहिए। वही अगर हम लोग दूसरे सिग्नल की बात करें, जैसे इस तरीके का हम लोगों ने सिग्नल लिया हो भाई, है ना, ये पता नहीं आपको दिखेगा नहीं, कलर हम लोग थोड़ा सा हाईलाइटेड करते हैं, किसी तरीके का भी आप सिग्नल ले सकते हैं भाई, मान लेते हैं इस तरीके का सिग्नल, ओके। तो इसको अगर आपको भाई आगे शिफ्ट करना है तो आगे मान लेते हैं फंक्शन जो है मेरा FT, ठीक है, FT मतलब ये फंक्शन टाइम पर डिपेंड कर रहा है भाई, ये मेरा टाइम एक्सिस है, क्लियर हुआ, टाइम एक्सिस है भाई। तो इसको अगर आपको आगे करना है, इसका मतलब क्या, जब आगे करेंगे तो भाई मेरा फंक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा, मान लेते हैं इस तरीके का स्टार्ट होगा, क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे F, और यहाँ पे T लिखना पड़ेगा, और क्योंकि भाई कितना डिले हुआ है, जैसे मान लेते हैं जो मेरा टाइम है भाई ये 5 सेकेंड है, फिर ये जो टाइम है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लेते हैं 5 सेकेंड है यहाँ से लेके आते, जो डिस्टेंस है भाई मेरा 5 सेकेंड, क्लियर हुआ। तो भाई इस 5 सेकेंड को मान लेते हैं मैं T1 मान रहा हूँ भाई, ये जो टाइम है मेरा, ये टाइम ड्यूरेशन मान लेते हैं T1 है, तो भाई मेरे को FT को क्या लिखना पड़ेगा, ये जो FT है ये क्या हो जाएगा T-T1, समझे, जहाँ पे T1 क्या है मेरा 5 सेकेंड, माइनस साइन किस लिए लगाया, क्योंकि डिले है भाई, समझ में आया, इतना लेट बाद आएगा, 5 सेकेंड के बाद एक तरीके से प्ले होगा, क्लियर हो रहा है। या फिर कहिए इस T1 को आप हटा कर एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे तो 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, समझ में आया,
तो अगर आपका फंक्शन के साथ टी माइनस, जैसे देखिए ना भाई, जैसे मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा टाइम एक्सेस है, क्योंकि सिग्नल को भाई मानो यही मेरा सिग्नल है, ठीक है, इतना ही सिग्नल है, और इसके बाद क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है भाई, समझ में आ रहा है। तो रिपीट करना मतलब क्या, इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो यही इसका टाइम पीरियड होगा ना, एक साइकिल जितना कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा भाई, इसके बाद फिर से रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो कहने का मतलब क्या, ये मेरा टोटल टाइम था भाई, सही बात है। तो वही चीज है कि भाई ये मेरा टोटल टाइम था टी, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, 5 सेकेंड हो गया। इसका मतलब क्या कि भाई यहां से लेके यहां तक जो पूरा टोटल डिस्टेंस था ये टी था, ध्यान समझिए, ये टी था, लेकिन भाई ये कितना डिले हो गया, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है 5, तो अगर मैं टी में से 5 माइनस कर दूं, यानी ये पूरा डिस्टेंस में से, ये पूरा डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो मेरे को ये डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा, समझ में आया बात को। ये डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस मिलेगा हम लोग को, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरा सिग्नल जो है यहीं से प्ले होगा, इतना ही से प्ले होगा, समझे। तो यही चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है, टी यानी टोटल टाइम में से ये टी वन, या फिर कहिए टी नॉट, जिसको हम लोग टी नॉट भी बोल सकते हैं, टी वन को टी टू, जो भी टाइम आपको लिखना भाई, ठीक है। तो टोटल टाइम में से ये डिस्टेंस माइनस कर देनी, इतना में से अगर आप इतना माइनस कर दे रहे हैं तो मेरा ये डिस्टेंस मिलेगा, यानी सिग्नल मेरा यहीं से प्ले हो जाएगा, क्लियर हो गया। और वही अगर मुझे भाई यहाँ पे, ये तो डिले हो गया, यहाँ पे अगर मुझे इसको लीड करवाना होता है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी एक्सिस को, इसी सेम एक्सिस को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। अब मान लेते भाई ये जो सिग्नल है ना, सिग्नल मेरा मान लेते यहां से प्ले हुआ, यहां से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसको प्ले होना था, एक्चुअल प्ले होना चाहिए था जीरो से, ये मान लेते मैं रेफरेंस ले रहा हूं, तो रेफरेंस को हम हमेशा जीरो मानते हैं, टी इक्वल टू जीरो, लेकिन भाई प्ले कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से टाइम फॉरवर्ड हो गया, तो कितना फॉरवर्ड हुआ भाई, कितना फॉरवर्ड हुआ, समझिए। तो इसके लिए हम लोग हमेशा प्लस, मतलब समझिए भाई, ये जब तक आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो तब क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे टी प्लस जो भी आपका ये टाइम होगा, प्लस लिखना पड़ेगा टी वन, जो भी यहाँ का टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है, यानी इतना टाइम से क्या हो गया एक तरीके से, तो फिर ऐसा समझिए ना, जो देखिए फॉरवर्ड के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं। देखिए भाई इसको हम लोग यहाँ से ना बना के ईजी रखने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको ओवरलैप करके दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा एक्चुअल फंक्शन था, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया भाई, यहाँ पे टाइम एक्सेस दिखा देते हैं, ये मान लेते हैं मेरा जीरो है, इस इंस्टेंट पे भाई मेरा वन है, इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं भाई मेरा ये फोर है, इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं फाइव है, और ये इंस्टेंट मान लेते भाई मेरा, इसको कितना मान लेता है, 10 है, ओके। इस सिग्नल को अगर आपको फॉरवर्ड करना है, यानी पहले ही करना, तो मान लेते भाई मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ -1 से, ठीक है, ये -1 हो जाएगा, थोड़ा सा और कम गैप लेते हैं भाई, ये मान लेते हैं, ये हो गया मेरा -1, ये हो जाएगा 0, फिर हम लोग का यहाँ पे 1, फिर हम लोग का यहाँ पे, ऐसे समझिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे जाके इधर कहीं 10 दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 9 दिखा दे रहा हूँ भाई मैं, हो जाएगा 8, 7। तो भाई समझिए, मैंने इस सिग्नल को एक तरीके से जीरो से स्टार्ट कर दिया, ओके। तो अब देख रहे हैं ये डिस्टेंस हम लोगों ने 1 लिया हुआ, इसका मतलब क्या, यहाँ से स्टार्ट हो गया, 0 पहुँचेगा, फिर 1 से लेके 4 तक जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4 यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये ऐसे, और फिर ये 10 ना जाके 9, क्योंकि भाई हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इतना डिस्टेंस जो है पहले ही फॉरवर्ड कर दिया, पीछे आ चुका है भाई, ठीक है ना, यानी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा था लेकिन भाई -1 से स्टार्ट हो गया, मतलब क्या, ये फॉरवर्ड हो चुका है भाई, कितना फॉरवर्ड हो चुका है, कितना फॉरवर्ड हो चुका है भाई, 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन भाई ये कितने पे स्टार्ट हो रहा है, -1 पे स्टार्ट हो रहा है। तो सिग्नल लिखना होगा तो एफ टी इक्वल टू क्या होगा, ये मान लेते हैं जो डिस्टेंस है भाई, ये मान लेते मैं T1 बोल रहा हूँ, फिर टी नॉट बोल रहा हूँ, जो भी लिखना, क्या हो जाएगा ये एफ टी, और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा कितना, T1, जहाँ पे T1 क्या है मेरा 1, ये 1 डिस्टेंस है, ठीक है, 1 सेकेंड, या फिर इसको मिली सेकेंड, जो भी लिखना है,
ठीक है, टाइम का एक्सेस है भाई। ठीक है, तो टाइम का यूनिट आप बड़े में ले लिए, सेकंड में, फिर मिली सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, जो भी लिखना, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको लिखना है भाई, क्लियर हुआ। तो कहीं पे भी अब हम लोग आते हैं भाई अपने कॉन्सेप्ट पे, जो हम लोग केस थर्ड की बात कर रहे थे। तो सर टी इक्वल टू टी नॉट की अगर बात हो रही है, तो टी इक्वल टू टी नॉट का मतलब ही होता है भाई कि आप जो है अब इस बार क्या है, जीरो से स्टार्ट ना करके, यानी जो स्विच क्लोज होगा मेरा, ये जीरो से ना क्लोज होकर के कहाँ से क्लोज होगा, टी इक्वल टू टी नॉट। अब मान लेते भाई ये मेरा टी इक्वल टू टी नॉट है, ये इंस्टेंट मेरा टी इक्वल टू टी नॉट है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा यहाँ पे, मेरा यहाँ पे अभी जो सिग्नल है यहाँ से स्टार्ट होगा, समझे, यानी क्या हो चुका है, डिले हो चुका है, क्लियर हुआ। तो टी इक्वल टू टी नॉट या फिर कहिए टी इक्वल टू टी वन, ये सब का क्या मतलब होता है भाई, है ना। अब वहाँ पे जाइएगा, यानी जो भी लेक्चर अपलोड होगा भाई, तो उसमें जब ये केस पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, जो हम लोग का जो ट्रांजिएंट वाला करंट है ए इंटू ई टू द पावर माइनस आर, और यहाँ पे जब हम लोग टी लिखेंगे, क्योंकि भाई हम लोग सेकंड केस पढ़ रहे हैं, ये थर्ड केस पढ़ रहे हैं टी इक्वल टू टी नॉट, तो यहाँ पे जो टी होगा, यहाँ पे टी प्लस या फिर माइनस, क्योंकि भाई डिले कर रहे हैं, क्योंकि स्विच अब जीरो पे क्लोज ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं आगे, यानी टी इक्वल टू टी नॉट या फिर टी वन पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि भाई अब मेरा जो है सर्किट यहाँ पे एक तरीके से क्लोज हो रहा है, ये जो आरएल सर्किट होगा भाई, ये हम लोग का, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, टी इक्वल टू टी नॉट इंस्टेंट पे क्लोज हो रहा है। टी नॉट इंस्टेंट कहना मतलब क्या, अब ये जो मेरा एक्चुअल होगा टी माइनस टी नॉट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई डिले हो चुका है, यहाँ पे क्लोज करना था लेकिन भाई हो रहा है कहाँ, थोड़ा सा डिले होने के बाद, ठीक है, ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी नॉट अपॉन यहाँ पे हो जाएगा भाई आपका एल, क्लियर हुआ भाई। हम लोग को पता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, ई टू द पावर क्या लिखते हैं माइनस टी अपॉन टॉ, टॉ के जाए क्या, क्योंकि आरएल सर्किट पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई, जो एसी ट्रांजिएंट का लेक्चर बनेगा, टॉ इक्वल टू क्या होता है एल अपॉन आर, तो एल अपॉन आर, तो आर कहाँ चला जाए ऊपर, यानी इसको मैं ऐसे लिखा ई टू द पावर माइनस टी, और आर आ जाएगा अपॉन एल हो जाएगा, समझ में आया। तो इस इंस्टेंट पे टी इक्वल टू टी नॉट इंस्टेंट में हमें जो टाइम होगा भाई, इस टाइम को हम लोग अगर लिखें तो भाई इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ई टू द पावर माइनस आर, और टी के जगह मेरे को लिखना पड़ा टी माइनस टी नॉट एफ टी वन, जो भी बोले जो आपने एज्यूम किया हुआ है, ये बनेगा भाई आपका, ठीक है। इसके आगे जो इसका मैग्नीट्यूड है वो, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, और हमेशा ये रिकॉर्डेड सिग्नल पे लगता है भाई। तो इसका एप्लीकेशन हो गया, रियल लाइफ में हम लोग यूज़ कर रहे थे इसको, और इसका एक और एग्जांपल है लाइव ब्रॉडकास्टिंग, है ना। तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग को भाई जैसे मान लेते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई लाइव क्लास चल रहा था, आप मिस कर गए, तो उसको क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में रिकॉर्डेड को देख सकते हैं, समझ में आया। और इसका एक और एग्जांपल है, आपका कोई भी काम है भाई, है ना, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया भाई, वीडियो मेरे को बनाना था इतने बजे, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ, इसका मतलब कि आपके वर्क में क्या हो चुका है, डिले हो चुका है, ठीक है। तो ये यूट्यूब वाला बेस्ट एग्जांपल है भाई। और अलार्म का भी आप देख सकते हैं भाई, अलार्म में क्या होता है, अलार्म का मतलब क्या भाई, कि इसमें भी आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ रहा है और एक डेट फिक्स करना पड़ता है, सही बात है। और उसी टाइम और उसी डेट में क्या होता है, ये अलार्म बजता है। अलार्म क्या है भाई, अलार्म क्या है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई म्यूज़िक लगाया, जैसे भाई आपके पास ऑप्शन होता है ना फ़ोन में, जैसे अगर हम यहाँ पे फ़ोन के अलार्म की अगर बात करें भाई, एक मिनट, देखिए फिर से हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं, वेट, ये देखना बहुत जरूरी है, ओके, वेट वेट, भाई अभी आप देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ अलार्म लगाओ भाई, है ना, पहले से ही, अभी तो ऑन नहीं है, ये रात के 2 बजे का है, 2:05 का है, 2:10 का है, 2:15 का, 2:20 का है, 3 बजे का है, है ना, इतना सारा अलार्म लगाओ भाई। तो अगर मैं किसी एक अलार्म को ऑन करता हूँ, जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, ब्लू टिक हो गया, ठीक है, तो ये कब का है भाई, 16 दिसंबर का है, ठीक है ना, 16 दिसंबर के 3:08 पर बजेगा ये, तो अलार्म जो ये बजेगा भाई, यानी साउंड करेगा ना, कुछ ना कुछ साउंड करेगा, तो साउंड क्या है भाई, वो म्यूज़िक है मेरा। जैसे भाई साउंड मैं आपको अगर थोड़ा सा सुनाऊँ, एक मिनट, सेटिंग पे आते हैं, थोड़ा सेटिंग में भाई, यहाँ पे आपके पास म्यूजिक चेंज करने का ऑप्शन होता है ना, जैसे देखिए, देख रहे हैं,
ठीक है। तो भाई ये जो म्यूजिक बजा ये क्या है, ये एक रिकॉर्डेड सिग्नल है जो कि इस फोन में ऑलरेडी क्या हो रखा है, एक तरीके से इनबिल्ट इंस्टॉल किया हुआ है या फिर कहिए डाल रखा है। तो जैसे ये टाइम मेरा होगा, जिस टाइम में हम लोगों ने अलार्म सेट किया हो भाई, उस टाइम में क्या हो जाएगा, ये सिग्नल प्ले हो जाएगा, है ना। प्ले होने का मतलब क्या, ये म्यूजिक बजने लगेगा भाई। तो अभी अब जैसे मान लेते भाई मेरे को काम करते करते ही 2 बज गया, तो भाई अब मैं 3 बजे थोड़ा ना उठूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अब मैं मान लेते हैं मैं सुबह का अलार्म लगा रहा हूँ 9 बजे, ओके। तो अब क्या हो गया भाई कि अब जो है ये 3 बजे ना बज करके ये सिग्नल क्या है 9 बजे प्ले हो जाएगा। तो कितना घंटे का डिले हो चुका है, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 घंटे का एक तरीके से डिले हो चुका है। यानी 6 घंटा जो हो गया एक तरीके से क्या हो गया, शिफ्ट हो चुका भाई, टाइम शिफ्टिंग कर दिया हम लोगों ने सिग्नल के लिए। 6 घंटे के बाद ही एक तरीके से प्ले होगा। और वही मान लेते भाई मैं शाम के 6 बजे ही सो गया, तो 6 बजे सो गया समझते क्या, सीधी सी बात है मैं जल्दी उठ जाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ इसको, अब मैं 3 बजे ना 2 बजे लगा देता हूँ भाई कि मेरे 2 बजे उठना है। तो यही सेम सिग्नल क्या है अब आपका भाई, 1 घंटा पहले फॉरवर्ड हो गया, इसको बजना चाहिए था जो डेली बजता था 3 बजे, लेकिन अब बजाया कितने बजे आपका भाई, 2 बजे ही बज जाएगा। इसका मतलब क्या हो, ये हम लोगों ने एक तरीके लीड करवा दिया भाई इसको। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ओके ना। तो अलार्म का भाई एक बेस्ट एग्जांपल है, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और ये जो ट्रांजिएंट वाला है भाई, इसमें आपको अब कहीं पर भी डाउट नहीं होगा।